सो है एवरी वन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सभी? वेलकम बैक टू माई चैनल व्लॉग्स में, मतलब हाँ मेरे चैनल व्लॉग्स में आप लोगों का वेलकम है। तो अभी जो है ना बहुत टेंशन हो रही है, मेरा पेपर है आज, तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी मैंने बुक्स खोली है यहाँ पे, तो ऐसा करते हैं ना लवली डी को उठाते हैं जाके, वो मेरे को पढ़ा देंगे क्योंकि मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा, कुछ याद ही नहीं हो रहा, तो उनको उठाते हैं फटा। लवली डी, कुछ याद नहीं हो रहा आपका? समझ, थोड़ा सा बच्चा पढ़ा दो प्लीज, थोड़ा सा बच्चा प्लीज पढ़ा दो, रो थोड़ा सा बचा आपकी कसम, थोड़ा सा बचा बस। ओ है कुछ प्रतिनिधि और पता नहीं क्या क्या है, दो तीन है बस पढ़ने के लिए, पढ़ा दो प्लीज, चलो प्लीज बचा। 6:30 हो गए, आधा घंटा बचा मेरे पास, सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने के लिए बस। ओ गुड मॉर्निंग डाइनो, गुड मॉर्निंग डाइनो जी, गुड मॉर्निंग जी। अब मेरे रूम में तो तू जाएगा ही नहीं, पढ़ने दो मेरे को, बाहर है तू लगा बरकत है, देख अंदर मत आइयो। नो तो अभी देखो लवली दी को उठा रहा था मैं, वो उठ ही नहीं रहे और मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो मेरे को पढ़ा भी सकते हैं और ऐसे तो कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। और मेरे को जो ये सर पे बहुत ज्यादा खारिश होती है जब मैं मेरे पेपर होते हैं, पहले पढ़ लेते हैं ना, फोन को चार्जिंग में लगा देते हैं, 8:30 बजे पहुंचना भी है, ना ही एडमिट कार्ड निकल रहा है ना कुछ। फाइनली मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ अब पेपर देने के लिए, घर में ठीक है मम्मी जी। तो चलते हैं फिलहाल कॉलेज के लिए, वो मम्मी खड़ी है वहाँ पे देखने के लिए, चलते हैं। चलो चलो, एक्चुअली मैं 7 ही बजे चल पड़ा हूँ, मतलब 7:30 बजे तैयारी करनी थी ना पेपर की, तो कॉलेज जाके करते हैं। सो फाइनली भाई तुम्हारे का पेपर जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो पेपर जो है वो ठीक ही क्या है, और कंपनी की कॉल आ रही है पेपर के बाद ही, कंपनी की कॉल आ रही है, मतलब मेरे को एयरटेल वाले अपने साथ रखना चाहते होंगे ना इसलिए। तो ऐसा करते हैं ना, चलते हैं घर के लिए, पहले मंदिर चलते हैं फिर मंदिर में मिलता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर वैसे भी भीड़ है, सब मुँह के साथ देखते होते हैं कि पता नहीं ब्लॉगिंग कर रहा है क्या होगा। तो अभी मैं जो ना वो एक फ्रेंड के पास जा रहा हूँ, हो गया ख़त्म, और अभी मैं पहुँचा उसकी दुकान के थोड़े नीचे जैसे, तो चलते हैं। हेलमेट भी नहीं लाया हूँ आज मैं, अगर चलान हो गया ना फिर चलेगा, मेरे को तो पता, और इतने घूमने का नतीजा। तो वो गया अपने कॉलेज के लिए, तो मैं जो वो तब तक मंदिर जाता हूँ, और मंदिर जाने के बाद फिर देखते हैं क्या बनता है, पहले मंदिर तो चलते हैं ना, पहले मंदिर में माथा वगैरह टेक लेते हैं कि पेपर अच्छा, मतलब पास हो जाऊँ, पेपर तो चला ही गया अच्छा, अच्छा क्या मतलब ठीक ही चला गया जैसा भी गया है, तो पहले मंदिर को चलते हैं। तो अभी ना मैं मंदिर नहीं गया हूँ, अभी मैं शीशा देखने जा रहा हूँ, मतलब मिरर जो मैं पहले देखने के गया था बट मिला ही नहीं था, आज तो शायद मिल भी सकता है, मतलब लगता है यहाँ पे हो गए भाई, आज भी नहीं है उस दिन भी नहीं थे, तो मुझे लगता है ही नहीं होते हैं कभी भी दुकान में। ये पर मिरर की शॉप है यहाँ के, ये पर शीशे की शॉप है भाई, ये पर शीशे की शॉप है ना, उसके मालिक कहाँ पे है, बंद है दुकान, है नहीं कोई अंदर। अच्छा कब तक आएंगे वो? अभी ना वो भाई जो है वो आने वाले 5-7 मिनट में, तब तक मैं मंदिर तक जाता हूँ, मंदिर भी साथ में ही है यहाँ पे, तो पहले मंदिर तक जाता हूँ तब तक, और उसके बाद आता हूँ शीशा देखने के लिए, कोई बढ़िया सा शीशा होगा तो उसमें पूछ लूँगा, फ्रेम वगैरह लगानी होगी। तो चलो मंदिर भी साथ में ही है यहाँ पे, मंदिर जाते हैं पहले। मंदिर में जाने से ना हमेशा पॉजिटिव सी फील आती है कुछ, जैसे अब मैं पेपर दे के आऊँ ना, तो पहले थोड़ा सा मन ऐसे था कि हाँ कैसा होगा पेपर कैसा गया, और मंदिर में आके जो शांत हो गया, इसलिए मंदिर तो मतलब कई बंदे होते हैं ना वो सुबह सुबह रोज़ पूजा करते हैं, बट मैं करता नहीं हूँ, अब से मैं भी किया करूँगा पूजा का, पूजा करने को तो कुछ नहीं है बट सुबह उठता ही गौना जल्दी, अब से मैं जल्दी उठूँगा फिर किया करूँगा पूजा। यहाँ पे ना अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, जैसे इन भगवान का लग गया, जैसे नाना माता जी का लग गया, गणेश भगवान का लग गया, वैसे वैसे तो हर मंदिर में जाना पड़ता है, मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हाँ चले जाओ, बट हर मंदिर में आके मतलब शांति मिलती है, फिर थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाओ ना तो मन बिल्कुल ही शांत हो जाता है। जैसे कई लोग मेडिटेशन करते हैं ना, मैं भी करता था पहले पहले, आजकल तो मैंने छोड़ दी है, जैसे वैसे शांति मिलती है वैसे ही मंदिर में मिलती है, और मंदिर में मेडिटेशन करो तो और ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव फील आती है, मतलब
तो अभी मैं मंदिर से आ गया हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे बैठा था, एक्चुअली मैंने पिछली बार ना यहाँ पे रील्स वगैरह शूट करी थी, तो आज मैं सोच रहा था कि इधर ही रील्स शूट करूँ, तो है ही नहीं कोई रील्स शूट करने वाला, अकेला ही हूँ मैं, क्योंकि पीछे व्यू देखो पेड़ कितने सही आ रहे हैं ना, यहाँ पे रील भी बहुत अच्छी बननी थी, बट है नहीं कोई रील शूट करने वाला। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, पानी वगैरह की बोतल भी नहीं लाया हूँ, वो लाया होता तो थोड़ा फ्रेश भी होता, पानी वगैरह पी के थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है ना। तो क्या करें, अब चलते हैं घर के लिए। मतलब जाके तो मम्मी पूछेगी कि कर दिया बेड़ा घर कपड़ा पेपर में, मतलब बेकार कर दिया पेपर। चलो घर चलते हैं, फिर आप लोगों को मम्मी की रिएक्शन बताता हूँ क्या बोलती है मम्मी। सच बोलूँ ना तो बाइक चलाने का कोई मज़ा ही नहीं आ रहा है। अब आप लोग बोलोगे क्यों नहीं मज़ा आ रहा है, क्योंकि ना इसकी सर्विस हुई है, ना इसका टायर पीछे वो स्पोक्स जुड़ गया, मतलब तीन चार स्पोक्स टूट गया, ना सर्विस हुई और ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा बाइक चलाने का। तो मैं जो हूँ वो घर पहुँच गया हूँ, और अभी मैंने जो है वो ये दाढ़ी भी नहीं बनाई है, और आई बाल कटवाने पड़ेंगे अभी बाल भी। तो आप लोग देख रहे होंगे बैग ज़्यादा भारी लग रहा है ना, एक्चुअली मैं खाने के लिए लेके आया हूँ कॉर्नेटो एंड लिमके की बोतल, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है अभी, पेपर इतना अच्छा गया है ना। अच्छा तो पता लगेगा अब जब रिजल्ट आएगा, पढ़ाई कुछ नहीं था तो क्या कर सकते, चला गया ठीक है। मम्मी का रिएक्शन देख रहा, मम्मी आके सीधा यही वो के पेपर के लिए, डाइनो भी आ गया था। हेलो जी डाइनो जी, डाइनो जी, डाइनो जी, ओए ओए ओए, बस बस डाइनो जी, गुड मॉर्निंग। वेयर इज मम्मी? नाना चले गए, ब्रश कर दो पहले, फिर आओ पूछने के लिए भी कैसा रहा पेपर कैसा नहीं, पहले ब्रश कर लो। कपड़े कहाँ पे हैं? कपड़े कपड़े धो दिए, कपड़े ले आओ मेरे, और मैं नहा लेता हूँ फटाफट से, क्योंकि मैंने कुछ खाया भी नहीं है, फिर नहाने के बाद खाना वगैरह खाता हूँ, और खाना भी खाता हूँ, और साथ में मेरी आइसक्रीम यहाँ पे है और मेरी ठंडे की बोतल भी यहाँ पे ही है, पहले नहा लेता हूँ। दादा तू क्या देख रहा है? एक होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा की तरह, और एक होते हैं मम्मी की तरह। मम्मी की तरह पता है क्यों होते हैं? क्योंकि मम्मी बार बार छोटी छोटी बात पर, मैं नाइन्थ में फर्स्ट आई थी, मैं नाइन्थ में फर्स्ट आई थी और तुम लोग फर्स्ट नहीं आए, रवली थी। एक होता है सोनू शर्मा की तरह मोटिवेशनल, और एक होते हैं मम्मी की तरह जो थोड़ी थोड़ी देर में बोलती है मैं नाइन्थ में फर्स्ट आई थी। है मम्मी जी? क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, एक मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, एक मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, और एक आप है जो थोड़ी थोड़ी देर बाद बोलती है कि मैं नाइन्थ में फर्स्ट आई थी, नाइन्थ में फर्स्ट आई थी। है तो आए, तो अब हमें क्या बताए कि नहीं आए हो, सर्टिफिकेट हमें दिखाओ, फिर हम प्रूफ माने कि हाँ आप फर्स्ट आए हो। तो अब जो है मैं थोड़ी देर के लिए सोने आ गया हूँ, थक गया हूँ एक्चुअली पेपर लिख लिख के, तो ओके बाय गुड नाइट। लाल मैं जो वो बाजार तक आया था, तो यहाँ पे इस लड़के का चेन सेट खराब हो गया, तेरी शक्ल नहीं दिखाता तू मत शर्मा। और मैं भी अपनी बाइक के टायर का ये स्पोक्स का पता करना है, देखो रे कैसे टूट रही है, हाँ देखो देखो ये देख है, ये देखो एक ये टूट गई ना, मैंने नहीं करवाना है कुछ भी फिलहाल तो। अरे ऐसे होती है खड्डे वगैरह में ले जाते हैं ना, टूट जाती है, तो तभी तो ये टायर भी चेंज करवाना ना अब, और अलॉय व्हील डालने इसमें ताकि ठीक हो जाए। अभी मैं घर से बाहर आया हूँ ना, तो इसकी फोटोज वगैरह खींचने के लिए, तो ये आप लोगों ने पुराने व्लॉग्स में भी देखा ही होगा मेरा, तो मुंह खींच पा रहा है, मुंह दिखा दे। कोई नहीं, सब तो जानते हैं तेरे को, देखा था इन्होंने तेरे को पुराने व्लॉग्स में। तो इसकी फोटोज वगैरह खींचनी थी, क्योंकि अभी आया था कॉलेज से, तो अभी हम जो है वो चिकन खा रहे हैं, मतलब बनवाने के लिए दिया है, तो अभी जाना है वहाँ पे लाना है चिकन और फिर खाने बैठना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना चिकन खाए हुए, घर को भी ले जाना पड़ेगा आज, मम्मी मंगवा रहे हैं पापा कॉल करके। तो ये जो है हेलमेट पहन के, हेलमेट पहन के कहाँ चला तू, मेरे को भी दिलवा दिया था हेलमेट यार, मेरे पास एक हेलमेट भी नहीं है बुलेट के लिए बताया। तो अभी फिलहाल कितने बजे जाना है घर? चले पढ़ना 7 बजे, अभी टाइम है काफ़ी, एक का घंटा है, और आज का पेपर भी मतलब ठीक ठाक ही गया। अब मेरा पेपर है 13 को, मतलब 13 तारीख को मेरा पेपर है, तो वो भी आप लोगों की दया से ठीक ही जाएगा। आप लोगों की दया तो क्या होगी, उसमें मेरे को खुद ही पढ़ना पड़ेगा ना, तभी ठीक जाएगा, तभी ठीक जाएगा, वरना तो कुछ भी नहीं हो सकता ऐसे हमारा, बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं हो सकता। लास्ट पेपर है? लास्ट पेपर नहीं है अभी, फर्स्ट तो आज था, 13 को है, उसके बाद 20 को, 8 पेपर हैं पूरे।
कितना टाइम लग गया और पढ़ा कुछ भी नहीं, एक भी पेपर का नहीं आता मेरे को कुछ भी आगे, पर देखते हैं फिलहाल क्या होता है। अभी जो है ना मैं चिकन खाने के लिए आया हूँ, एक्चुअली लेट हो गए क्योंकि फोटोशूट वगैरह कर रहे थे उस चक्कर में, तो वो चिकन खाते हैं फटाफट, भूख लगी है मेरे को, तो वो वहाँ पे प्लेट और उसमें है चिकन। तो मेरे दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ घर में, तो मैं जो हूँ वो चिकन लेके आया हूँ। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था ना वो भी चिकन ही खा रहा था, उसकी वजह से मेरा तो दांत पूरी तरह से, एक्चुअली ना मैंने चिकन खाया ना उस वजह से जो है वो लिप्स जल गए मेरे, क्योंकि मैं गर्म गर्म ही खा लिया तो उस वजह से। तो अभी भी चिकन लेके आया मैं, तो घर वाले मंगा रहे थे, मेरे को तो फ्रेंड मिला था वो खिला रहा था ना। तो यहाँ पे डाइनो है हमारे, डाइनो जी इतना तेज चलता रहा, गिरा देता है एकदम से। तो अभी मैं और डाइनो ना यहाँ पे तारे देखने के लिए आया, आसमान में तारे और चांद देखने के लिए, तो ये सामने का व्यू है। तो अभी ना डाइनो मेरे साथ लड़ाई करने के मूड में है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे को अपने पंजे से हाथ लगा रहा है कि जब लड़ाई करता है, मेरा मूड है नहीं इसके साथ, मेरे को अभी चांद देखना है ऊपर आसमान में। तो अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो अब जो मेरा नेक्स्ट पेपर है ना वो 13 को है, बट उससे पहले भी ब्लॉग आएंगे, तो कल इसके लिए बनाऊंगा मैं एक स्टोरी टाइम वीडियो। तो कल संडे है ना क्योंकि, तो मैं हर संडे को स्टोरी टाइम वीडियो बनाता हूँ आजकल। तो मिलते हैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। तो ओके गाइस, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।